आदाब मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूं दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे हमारी आज की पेशकश में बात भारत के स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स की करेंगे लॉजिस्टिक समझौते के तहत दो देशों की मिलिट्री को एक दूसरे के मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के इस्तेमाल की इजाज़त होती है दोनों देशों की मिलिट्री के बीच फूड वाटर पेट्रोलियम जैसी फैसिलिटीज़ का लेन देन होता है भारत अपनी बाउंड्रीज से दूर मिलिट्री एक्शन के दौरान ऑपरेशन रिलेटेड साजो सामान तेजी से पहुंचाया और वहां तक लाया जा सकता है तो हमें जानने की जरूरत है कि आज की बदलती हुई दुनिया में भारत के मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स हमें सेल्फ रिलायंट बनाने की कितनी मदद कर पा रहे हैं इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के फाउंडर और फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता जी सर वेलकम टू द स्टूडियो इंडियन नेवी के एक्स वॉरशिप कैप्टन श्याम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं सर वेलकम टू द स्टूडियो और इंडियन मिलिट्री के रिटायर्ड मेजर जनरल एस पी सिन्हा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर वेलकम टू द स्टूडियो तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं वीरेंद्र गुप्ता जी पहले आप ही के पास आती हूँ हालांकि हमारे पास दो अलग अलग एक्सपर्ट हैं जो कि अलग अलग स्ट्रीम ऑफ डिफेंस जो हैं वो एक्सप्लेन करेंगे लेकिन स्ट्रेटेजी के लिहाज से क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिक्स और बाकी सब चीज़ें तो हम कहाँ पर अभी हैं और जितने भी हमारे हाल के दिनों में आ, जो समझौते हुए हैं अलग अलग मुल्कों के साथ में वो हमें कहाँ तक और आगे लेकर जाते हैं फार अहेड हमें क्या नज़र आता है यहाँ से देखिए पहले तो ये समझना चाहिए कि जो ये लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स हैं इनमें जितनी सुविधाएं मिलती हैं वो काफ़ी कुछ बगैर एग्रीमेंट्स के भी करा जा सकती हैं जैसे अगर इमरजेंसी है कोई नेचुरल कैलामिटी है इवैक्यूएशन के इश्यूज हैं तो इन सब चीज़ों में दूसरे देश आपको मदद करने के लिए तैयारी हो जाती है लेकिन स्ट्रेटेजिकली एक फोर्स प्रोजेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है फोर्स प्रोजेक्शन में हमारे पास क्या है हम क्या कर सकते हैं और किस तरह का परसेप्शन क्रिएट कराते हैं तो आई थिंक अगर उस तरीके से देखें तो इस लॉजिस्टिक्स मिलिट्री एग्रीमेंट्स की बहुत अहमियत बढ़ जाती है और हमको किस परिपेक्ष में किस कॉन्टेक्स्ट में ये हम इतनी तेज़ी कर रहे हैं पिछले आप देखें अमेरिका से तो हमने 2016 में किया जिसकी बहुत बड़ी अहमियत है एंड इट्स अ कैटेगरी बाय सेल्फ अमेरिका का जो हमारा लिमोआ एग्रीमेंट है बाकी उसके बाद हमने बहुत सारे और कंट्रीज से क्वाड कंट्रीज से सारे कर लिए सिंगापुर से कर लिया कोरिया से कर लिया वियतनाम से और दो तीन और बहुत अहमियत अहम देशों से हमारे एग्रीमेंट चालू हैं मतलब डिस्कस कर रहे हैं तो इतनी तेज़ी हमने लास्ट चार पाँच सालों में क्यों दिखाई तो वजह बड़ी साफ है कि हमारे इंडो पैसिफिक रीजन में हमारा इंटरेस्ट और हमारा थ्रेट परसेप्शन yeah. थ्रेट परसेप्शन कहें तो एलिफेंट इन द रूम इज चाइना चाइना से हमारा बढ़ता हुआ जो है थ्रेट परसेप्शन उस वो हमको मजबूर कर रहा है कि हम अपने फोर्स प्रोजेक्शन की तरफ ध्यान दें और फोर्स प्रोजेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें एक बहुत बड़ी अहमियत है कि हम दूसरी नेवीज के साथ में दूसरे मिलिट्रीज के साथ में एक एग्रीमेंट करें जिससे कि हमारी आउटरीच वो बढ़ सके हमारे वी आर आवर प्रोजेक्शन इज नॉट लिमिटेड टू आर शोर्स बट हम बाहर भी जाके अपने को जो सेफ कर सकें अपने इंटरेस्ट को right, right. बहुत बढ़िया सर और क्योंकि आपने पैसिफिक रीजन और नेवी की बात की है तो हमारे साथ आ, गेस्ट मौजूद हैं वॉरशिप एक्स वॉरशिप कैप्टन हैं श्याम कुमार जी श्याम कुमार जी आपसे थोड़ा सा और एलोब्रेट तरीके से हम जानना चाहेंगे बिकॉज़ ये हम सब जानते हैं कि हमारा जो कॉस्ट लाइन है वो बहुत बड़ा है और उसमें अलग अलग तरह के चैलेंजेस भी हैं और हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी करते रहते हैं जिससे कि लॉजिस्टिक्स अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम कब कैसे किसकी और

चारों तरफ से एक तरफ तीन तरफ से एक तरह से पेनसुलर इंडिया जो है इंडियन ओशन बे ऑफ बंगाल और अरबियनसी अरब और हमारी जो परंपरा रही है वो कॉमर्स और ट्रेड में दूसरे देशों के साथ पहले से रही है और इसका काफ़ी महत्व है चाहे आप कल्चरल इंटीग्रेशन कहें चाहे वो अशोक के द्वारा संगमित्रा और महेंद्रू को भेजा जाना या अरब कंट्रीज के साथ हमारे स्पाइसेस का व्यापार हो ये पुरानी परंपरा से हम चलते रहे हैं और अगर इसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ग्लोबल विलेज के रूप में पूरी पूरा जो पूरी जो हमारी धरती है वो एक हो रही है और पारस, पारस्परिक सहयोग बहुत जरूरी मुद्दा बन गया है इसके बिना शायद कोई एक कंट्री अपने आप ग्रोथ करने में सक्षम नहीं हो पाता और एक एकता एकजुट होकर ये विकास के माध्यम से आज ये दौर गुजर रहा है उस सिलसिले में अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की कोट करूं जो अभी उन्होंने डिफेंस एक्सपो में कहा Uh, पिछली बार मैराटम uh, स्ट्रेटजी uh, को इंक्रीज करना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना और रास्ते दूर तक खोलना हमारे ओशन के थ्रू ताकि ये जो चाइना का जो वर्चस्व बढ़ रहा है हमारे एरिया में ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के रूप में या ये वन रोड वन बेल्ट वन रोड ये जो इनिशिएटिव है या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं ग्वादर पोर्ट तक वो आके अपना रास्ता खोल रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में डायमंड नेकलेस ऑफ डायमंड बनाना हमारी तरफ से भी दूसरे बेसिस की तरफ जाना जरूरी है नेवी की बात जब हम करते हैं तो आज के दिन में इंडियन नेवी के बारे में हम कहें तो एक ब्लू वाटर नेवी की तरफ हम देख रहे हैं तो आउटरीच तभी बढ़ती है जब हमारी लॉजिस्टिक सपोर्ट्स और जिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में हम ऑपरेट करना चाहते हैं वहां तक हमारे शिप्स जाएं और इंडिपेंडेंटली सस्टेन करके वहां ऑपरेट कर सकें तो इसके साथ हम मैं ये मानता हूं कि आज नेवी इतने इतनी शक्तिशाली हो चुकी है और और पर्सपेक्टिव प्लान के हिसाब से हम होने वाले हैं कि हम विश्व में अपनी जगह मजबूत करेंगे इस आउटरीच के द्वारा बिल्कुल बिल्कुल सर और आ, मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी हमारे साथ हैं क्योंकि सर आ, हमने जो लॉजिस्टिक्स के बारे में हमने जो एक स्ट्रेटेजी है उसको लेकर भी बात की और नेवी से क्योंकि हमारे साथ गेस्ट हैं तो उनसे भी हमने बात की लेकिन हम चाहे नेवी और यहाँ तक कि अब तो बहुत परमाणु बम की भी बात होती है लेकिन बावजूद उसके भी हम ये जानते हैं कि थल सेना जो है और ज़मीन पर जो लड़ाई है उसको वो एक तरीके से अभी भी और पार करती है तो वहाँ पर लॉजिस्टिक्स का अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और अभी जो एक ये जो सिनेरियो सिचुएशन बदल रहा है क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर भी बदल रहा है हमारे जो दोस्त हैं उनके साथ भी हमारी संधियाँ और दोस्तियाँ अलग तरह से भी हो रही हैं उसको लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है कैसे आप डिस्क्राइब करते हैं सर आपके प्रश्न के दो पहलू हैं एक है नेवी के कंसर्न में दूसरा है आर्मी से रिलेटेड यदि तो नेवी के कंसर्न में हम बात करें तो देखिए हिंदुस्तान का जो कोस्ट लाइन है और हम जब जूनियर ऑफिसर थे तो हम सुनते थे फौज में एक कहावत ही रूल्स द रूल्स द सीज रूल्स द वर्ल्ड तो यदि आप विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरना चाहती हैं और आप एक देश की गरिमा बढ़ाना चाहती हैं तो स्वाभाविक है कि आपको हाई सीज को रूल करना पड़ेगा जब हाई सीज सीज में अपने शिप्स को आप डिप्लॉय कीजिएगा तो शिप्स को रिप्लेनिशमेंट करने के लिए जरूरत पड़ती है फ्यूल की जरूरत पड़ती है खाना सब कुछ की जरूरत पड़ती है exactly. वो जरूरत कर, फुलफिल करने का दो तरीका है आप स्वावलंबी हो जाए दूसरा तरीका है कि जिसके पास वो एसेट है उसका आप इस्तेमाल करें रेसिपरकल बेसिस पे वो हमारे क्षेत्र में आए तो हम प्रदान प्रदान करेंगे हम उनके क्षेत्र में जाएं तो वो प्रदान करेंगे इससे क्या फायदा होता है टाइम कॉस्ट एफर्ट में सेविंग्स होता है और एक एश्योरेंस लेवल होता है कि इस क्षेत्र में हमारा सप्लाई लेंच, जो सप्लाई चेन है वो खतरे में नहीं आ रहा है right. अश्योर्ड है तो किसी भी जंग में या किसी भी पेट्रोलिंग में अश्योर्ड चेन ऑफ सप्लाई एक मोराल बूस्टर होता है हुँ. वो आपको शक्ति प्रदान करता है तो आप जैसे आप, आप हमने कितना एग्रीमेंट किया ऑस्ट्रेलिया के साथ किया जापान अमेरिका कोट कंट्रीज के साथ किया फ्रांस सिंगापुर साउथ कोरिया और रूस के साथ करने वाले हैं अमेरिका के साथ करने वाले हैं वियतनाम के साथ भी करने वाले हैं तो ये सब देश है जब हम कर लेंगे तो इसके इसके कई माने हैं एक कि हमको सी में हमारा मेंटेनेंस प्रॉब्लम खत्म होता है दूसरी दूसरी बात है वो हमारे नंबर गेम में हमको हमारा हमारी संख्या बढ़ाते हैं वो तो लड़ाई में नंबर गेम बहुत महत्वपूर्ण है आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लीजिए या सेकंड वर्ल्ड वॉर लीजिए जीत तो उसकी हुई जिसके पास नंबर ज्यादा था तो जब नंबर गेम में जब हमारे साथ इनकी मैथ्यू हो जाती है तो ये तो हमारे साइड खड़े हैं ना दुश्मन के साथ तो खड़े नहीं होंगे तो इसका यह इंपॉर्टेंस है अब हम थल सेना के बारे में बात करते हैं थल सेना के बारे में बात करें तो देखिए हम लोग जो जूनियर फिर मैं कोट करता हूं आर्मी मार्चेज ऑन इट स्टॉमक आर्मी मार्चेज ऑन इट्स स्टॉमक पेट भरा है फर्स्ट क्लास पेट खाली है तो जंग करने में कष्ट होगा इसका मतलब है लॉजिस्टिक सप्लाई चेन एक बहुत पूर्ण और बैटल विनिंग फैक्टर है आज यूक्रेन में मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यूक्रेन में रूस सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसका लॉजिस्टिक सप्लाई चेन में बहुत चिंक्स कमियां गैप्स तो आप अब इसको थोड़ा सा इस कन्वेस को बढ़ाइए मुझे याद है कि जब जॉर्ज फर्नांडेस जी रक्षा मंत्री थे ऑनरेबल रक्षा मंत्री थे रोड्स की कल्पना की थी उन्होंने चाइना बॉर्डर पे बारह चौदह साल हो गया कितने रोड कंप्लीट हुए ग्यारह क्यों स्थिति ऐसी वाली है और आप बारह चौदह साल में दस बारह रोड बनाएंगे और मिस्टर एंटनी ने लोकसभा में कहा था कि हमने जान के रोड नहीं बनाया कि यदि चीन आ जाएगा तो हमारा रोड इस्तेमाल कर लेगा आप समझ सकती हैं इस तरह की सोच इज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो सवाल यह है कि जब तक आपका लॉजटिक नहीं है लॉजटिक क्यों इंपॉर्टेंट है खाना ट्रुप्स खा रहे हैं खाना चाहिए रिप्लेनिशमेंट एमशन मेडिसिन कपड़ा स्पेयर पार्ट्स एफे? जो जो इक्विपमेंट कैजी कैजुअलिटी हुआ है उसको रिकवर करके वापस भेजना जो पीछे से उसको आगे लाना हुँ. तो ये ये खाली ट्रुप जो है वो खाली गोली फायरिंग से दुश्मन को हम नहीं परास्त कर सकते परास्त करने के लिए जो बैकअप फोर्स है जो शक्ति प्रदान कर रहा है वो कौन कर रहा है लॉजिस्टिक्स वो शक्ति प्रदान करता है हुँ. तो जब आपके पास शक्ति होगी तो हम लोग को कहा जाता है लेट नॉट द ट्रुप्स लुक बैक

अपना डीएमए में आ गया गए मेंटेनेंस एरिया में आए सामान लिया चल दिए उनके ट्रांसपोर्ट आई फाइटिंग एस्टोन्स के पिकअप किया चले गए तो ये दोनों बहुत पूर्ण बिंदु है तो आपको इसी परिप्रेक्ष लोग नॉर्मली सोचते अरे सप्लाई कोर का क्या महत्व है सप्लाई कोर ही है इट इज इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट यूक्रेन तो मैं कोट कर रहा हूं रशिया का रोड बेस्ड लॉजिस्टिक सप्लाई चेन सिस्टम है और उसकी एबिलिटी है 80 मील तक सप्लाई को मेंटेन रखने का उसके जब 80 माइल्स के रेंज से बाहर आ गए समस्या आज देखिए कितने महीने हो गए लड़ाई नहीं जीता है जब तक आपका रेल हेड सिक्योर नहीं है जब तक आपका सप्लाई रोड सिक्योर नहीं है आपके जो ट्रक्स जा रहे हैं वो सिक्योर नहीं है वो यदि एम्बुश हो रहे हैं कैसे हुँ, हुँ, जवान तो 24 घंटा अड़तालीस घंटा बिना खाना के रह सकता है उसके बाद इसीलिए इसको आपको इस तरह से देखने की है कि बिल्कुल बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए हम बिल्कुल आ, हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन करवा रहे हैं कि एग्जैक्टली exactly जो आ, है ये स्थिति लॉजिस्टिक्स को लेकर क्यों इम्पॉर्टेंट है और आपसे सर मैं यही समझना चाहूँगी जैसा सप्लाई चेन का सर ने जिक्र किया और वो सप्लाई चेन बहुत इम्पॉर्टेंट है तो स्ट्रेटजिकली ये कैसे इम्पॉटेंट है क्योंकि आपने जैसे सर ने भी जिक्र किया कि अभी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ कि हमारा ये पार्टनरशिप होना है डील्स जो है वो होनी है कुछ के साथ हमारा लिमाव है कुछ के साथ अभी पेंडिंग है तो ये आ, और दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि युद्ध में तो जाना नहीं चाहिए क्योंकि युद्ध से बहुत बर्बादी होती है लेकिन बावजूद उसके भी स्टैंड बाय रहना और अपनी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांगली करके रखना हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज देखिए स्ट्रेटजी के लिए प्रोजेक्शन uh, बहुत जरूरी हाँ जो हमारी डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए हमें फोर्स प्रोजेक्शन जरूरी है right. और ये स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट जो लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट जैसे जनरल साहब ने बोला कि सप्लाई चेन्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगर आप दूसरों की सप्लाई चेन्स पे डिपेंडेंट नहीं होंगे जैसे किसी और कंट्री का वियतनाम की फैसिलिटीज़ हैं साउथ कोरिया की फैसिलिटीज़ हैं जो सिंगापुर की फैसिलिटीज़ है अगर हम अपने शिप्स जाएंगे हमारे और सिंगापुर में हमारी रिफ्यूलिंग नहीं हो सकती है या सिंगापुर में हमारी जो मटेरियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो नहीं मिलेंगी तो फिर हमको दूसरे शिप्स भेजने पड़ेंगे तो हमारे लिए बहुत खर्चे बढ़ जाएंगे बहुत सारे इंडिपेंडेंट नेवीज वो अपने इंतजाम करते हैं अमेरिका बहुत ज्यादा अपने इंतजाम में चलता है जो उनके वॉरशिप्स हैं उनके साथ में और सपोर्ट शिप्स भी चलते हैं बट हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन हमको अपना फोर्स प्रोजेक्शन ज़रूरी है और जैसे मैंने बताया पहले कि फोर्स प्रोजेक्शन में एक तो जो हमारा शिप है जो हमारा आ, हम मलाका स्टेट में जो सिक्योरिटी है उसमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं और कहीं कहीं पे जहां पे हमारी जरूरत है हमारे ओकेजनल फ्लैग विजिट्स होती हैं हमारी लेकिन उससे हम पूरा का पूरा अपनी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर सकते तो एक दुश्मन में चाइना सपोजिंग इफ इफ चाइना इज आर एडवर्सरी नेशन एनिमी नेशन तो हमने जापान के साथ में ऐसा एग्रीमेंट किया अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हम ये नहीं कहते कि जापान से हमारा मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है हुँ. इसका मतलब कि जापान इज नॉट आ मिलिट्री अलाय वी डिनाई दैट अमेरिका इज नॉट डॉ मिलिट्री अलाय वी डिनाई दैट अमेरिका इज मिलिट्री अलाय बट ये एग्रीमेंट है हमारा हुँ. तो इसमें है भी नहीं भी है विच इज जो डुअलिटी है जो एम्बिग्विटी है विच वी डेलिब्रेटली क्रिएट विच वी अलाउ टू सस्टेन उससे बहुत फायदा रहता है हुँ. क्योंकि

दुनिया में एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि इंडिया अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को इंडिया की जो फोर्स प्रोजेक्शन की जरूरतें हैं वो पूरी की जा रही हैं राइट राइट इसलिए मैं इसी से जुड़ा सवाल मैं ऐड कर दूँ सर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं लेकिन एक ग्रोथ जो है जो हमने ऑफलेट जो अचीव किया है उसको भी कैसे आप डिफाइन करते हैं और एक आ, एग्रेसिव थोड़ा सा जो एक कैंपेन चल रहा है कि यस yes, वी हम हम कोशिश कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और मुल्कों को भी अपने साथ लेकर आ पाएँ ताकि अगर कभी ऐसी स्थिति हो जिससे कि बचना चाहिए लेकिन अगर स्थिति आएगी तो फिर हम इतने मजबूत रहें कि हम हर तरह से फिर ना सिर्फ सक्षम है बल्कि जैसा जवाब दिया जाना चाहिए वैसा हम दे पाएंगे और ये सब संभव हो पाएगा पॉसिबल हो पाएगा बिकॉज ऑफ दिस Uh, मैं ये कहना चाहता कि जब तक तक आपकी सोच नहीं होगी, तब जमीनी स्तर उसको कैसे बनना है, तो बनेंगे कब? पहली बात. दूसरी बात यह कहा जा रहा है कि हम गरीब देश है पैसा नहीं है तो हम उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हुँ. उसके लिए कितना भी खर्चा बोलने दीजिए बोलिए यदि देश सुरक्षित नहीं है तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है आप जो देश कमजोर होता है लोग दबोच लेते हैं खत्म कर देते हैं क्या रहा अफगानिस्तान की हालत देखिए जो सरकार अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाई दबोच लिया तालिबान ने जब तक आपके पास शक्ति नहीं हो तब तक आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते और उसके लिए जरूरी है कि आप अपना एंबिशन साफ कीजिए और अपने आप को उस तरह से सशक्त कीजिए उसके लिए एक ब्लू वाटर हो नेवी हो आत्मनिर्भर हो अपना इंडिजिनस मिजाइल सिस्टम हो सब हो हो सो, सो वो अपने हो, अपने, हो, अपने हो जहां तक हो अपने हो खाली इत, इतने सालों में एक न्यूक्लियर हमने सब अध्यांत मतलब जो ये था जो अपना इंडियन मेट था क्यों क्या हमारे पास कॉम्पिटर्स नहीं थी

फोर्सेस चीफ्स को बोला गया नथिंग डूइंग बाहर से नहीं लेंगे हिंदुस्तान के अंदर से लेंगे आज एल बनाया कल गल्याणी डिफेंस अच्छा काम कर रहा है महिंद्रा टाटा अच्छा काम कर रहे हैं टाटा ने भी डिफेंस को काफी सप्लाई किया पहले क्यों नहीं किया मौका नहीं दिया फुटबॉल में गोल तो तब मारिएगा ना जब मैं आपको फुटबॉल फील्ड पे घुसने दूंगा घुसने का मौका नहीं दिया जाता था तो अभी अभी देखिए अभी मिसाइल सिस्टम देखिए अभी अभी अग्नि सिक्स और अग्नि फाइव से चीन कितना घबराया हुआ है तो इंडिया इज ऑन द मूव और हम लोग अपने आप को सशक्त कर रहे हैं और सरकार बहुत सही दिशा में काम कर रही है प्रशंसनीय है और ऐतिहासिक काम हो रहा है जी जी बिल्कुल तो चलिए इस ऐतिहासिक काम को और कैसे बूस्ट मिल सकता है ये, सर मैं आपसे जानना यू यूज़ दैट टर्म और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि हमारे दोनों गेस्ट ने uh, उसको बेहतर ढंग से क्योंकि हम तो ये चाहते हैं बिकॉज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि बेटर आउटकम हमारे पास आ पाए लेकिन अभी जहाँ पर हम हैं उसमें चाहे हम मेक इन इंडिया की बात करें या uh, बाकी और जो सेक्टर्स हैं क्योंकि अब तो प्राइवेट सेक्टर्स का भी जिस तरीके से हम इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए आप कैसे बताएंगे कि एक तरह का बूस्ट मिल रहा है और उसी उस बूस्ट से, उस से राइट डायरेक्शन से उस राइट कमांड से हम जो है वो स्ट्रेंदन हो रहे हैं और जो हाल फिलहाल की सिचुएशन है उसको और आप कैसे बेहतर ढंग से हमारे व्यूअर्स को बताएंगे आ, हमारा जिस टॉपिक पर हम हैं मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स हमारी जो हो रही है पूरे वर्ल्ड से और हम एक ग्लोबल विलेज की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि हमने पिछले दोनों ही ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए और अपनी जीडीपी को अपने पाँचवें स्थान पर लाकर और हमने विश्व को दिखा दिया है कि हम एक ग्लोबल पावर बनने की दिशा में अपना कदम रख रहे हैं और बहुत जल्दी ही तीसरे स्थान पर पहुंचने की उम्मीद है तो इसमें कोई हमने जो सोचा है और हमारी सोच शुरू हो गई है उस तरफ तो विश्वगुरु वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेते हुए अगर हम इस ओर बढ़ रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे और यही ये, ये सही दिशा है पॉलिटिकल विल है और देश की जागृति है हमारी अवेयरनेस है उस दिशा में आत्मनिर्भर भारत की बात, की बात को कर चुके पर कुछ मैं वस्तु स्थिति की बात करना चाहूंगा यहाँ पे एक होती है ब्लू वाटर नेवी और दूसरी होती है एक्सपेजिशनरी फोर्सेस तो विस्तारवादी ढंग से जो जैसे अमेरिकन की फोर्सेज हैं उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं सी कंट्रोल पे विश्वास करते हैं वो जहां जाते हैं पूरी खेमे के साथ जाते हैं और सस्टेन करके जीते हैं इंडियन ओशनिक रीजन में हम जब बात करें तो हाई सीज हमारे पास 2.2 पॉइंट स्क्वायर बिलियन हमारे एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है सात हजार से ज्यादा लंबा हमारा किलोमीटर कोस्ट लाइन है और हमारे पास अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की सुरक्षा की भी व्यवस्था की जरूरत है मरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जो इंडो पैसिफिक तक आज खुलता है और अफ्रीकन कंटिनेंट तक जाता है इस एरिया में अगर हम एक्सपेंड नहीं करेंगे अपने शिप्स की प्रेजेंस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में नहीं रखेंगे और इसके साथ खुद ना अगर सक्षम हो शिप्स के नंबर ऑफ शिप्स और नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट और सबमेरिन से तो दूसरे लोगों के साथ जैसे मैंने कहा विकास के लिए एकजुटता जरूरी है आज कोई देश अकेला विश्वास अपने आप ग्रोथ नहीं कर पाता तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कॉमर्स ट्रेड साथ साथ चलते हैं right. तो इसके साथ ही हम दूसरे देशों से मैं अपनी पे रहना चाहूंगा प्रो, प्रोजेक्शन जैसे हमारे को कह रहे थे उसी हिसाब से हम इसको देखते हैं फ्लैग मिशन की बात करें तो मैं बताऊं आज के दिन में कुछ नई अपडेट कर देना चाहूंगा दर्शकों को बारह से पंद्रह शिप्स लगातार दूसरे कंट्रीज में मौजूद है और आप यूं कहें कि आजादी के अमृत काल में हमारी पॉलिटिकल विल या हमारे देश की जो का का है सोच का, उसके हिसाब से मैं अपडेट करूं आपको तो इस बार के पचहत्तर में पंद्रह अगस्त को हर कंटिनेंट में एक वॉरशिप ने झंडा फहराया चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज में हो या अफ्रीकन कंट्री में हो नॉर्थ अमेरिका साउथ और अमेरिका सभी जगह हमारे शिप्स मौजूद थे और सभी आज के दिन में करीब दस से ज्यादा शिप्स पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं और अगर एक नया अपडेट दे दूं तो चार दिन पहले आई एन एस तर्कश पांच महीने के वर्ल्ड क्रूज के बाद 25 से 26 कंट्रीज को फ्लैग फ्लैगशोइ मिशन कल्चरल इंटीग्रेशन पावर प्रोजेक्शन जो भी कह सकते हैं आप करते हुए अभी लौटा है इस बीच लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करें तो जैसे हमारे प्रोफेसर मिस्टर गुप्ता ने बताया था कि एग्रीमेंट तो पहले भी थे और यह काम पहले भी हो सकता था exactly. लेकिन यह अग्रीमेंट होने से कॉस्ट इफेक्टिवनेस पेपर वर्क हैसल्स जो है ये सब खत्म हो जाते हैं जैसे कि फ्रांस का साथ समझौते के 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 कारण अमेरिका के साथ के कारण अमेरिका साथ समझौते जिबूती का बेस hmm. फ्रांस के समझौते के कारण मडगास्कर में जो हमारा रीयूनियन आइलैंड है यूएसए hmm. के समझौते के साथ हमारा आईलैंड इंडियन ओशन में hmm. गुआम hmm. या आप स्यूबिक बे ले लें ये सारे जो आइलैंड्स हैं इनके साथ हमारा लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट होने से लेमुआ होने से या कॉम कासा होने से या आप जिसको इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स है वो होने से इनमें हमें फायदा हुआ है बिना झिझक हम वहां जा सकते हैं अपनी रिप्लेसमेंट फ्यूल लॉजिस्टिक रेस्ट एंड रिक्रिएशन क्रू चेंज मेंटेनेंस फैसिलिटीज, सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके एक्सप्लेन किया है और बीच में जो डिस माई प्योर प्रिवलेज मैं जरूर इसको कहूंगी क्योंकि डिस्कशन का हमारा जो मोटिव है वो यही है कि हर तरीके की बात निकल कर आए ताकि जो हमारा व्यूवर है वो बेहतर ढंग से समझ पाए कि हम उसे बताना क्या चाहते हैं कहना क्या चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए तो उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं फिलहाल आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारा हमारा जो मेल आईडी है वो है डी डी उर्दू स्पेशल्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम तो इसके साथ ही पूरी टीम को इजाजत दीजिए आदाब